सत श्रीकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में खड़ा हूं, ये है ग्रीन बेल्ट चौक का मेन एरिया। आपको हम एक बोर्ड दिखा रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ बाहू प्लाजा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक। ये स्टेट वे रोड जो है रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है और ये मेन जो है ग्रीन यहाँ पे फील्ड का जो है ये भी यहाँ पे ग्राउंड है और उसके बाद यहाँ पे ये मेन चौक है। इस लोकेशन के बिल्कुल साथ में लगते हुए ये स्टेट वे रोड चला जाता है टूवर्ड्स हाईवे सतवारी की तरफ चला जाता है और ये जो रोड है ये आ रहा है होटल एशिया वाली साइड से। इस रोड पे आगे चल के हम आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं जो हम दे रहे हैं रेंट पे। ये वाला रोड जो है जो चलाता है गांधीनगर हॉस्पिटल की तरफ, बिल्कुल सेंटर ऑफ द गांधीनगर के एरिया में हम इस चौराहे पे पहुँचे हुए हैं और आपको इस एरिया में हम एक अकोमोडेशन दे रहे हैं रेंट पे, वो जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल जाए। और आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं 3 BHK का अकोमोडेशन, 3 BHK का सेट फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ जो हम दे रहे हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और अब हम आपको पहले आउटसाइड का पूरा एरिया दिखाते हैं, घर के इनसाइड में एंटर करते ही आपको ये ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा और उसके बाद ये आपका पाथ बन जाएगा और आपको ले चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। वहाँ चल के हम आपको 3 BHK का सेट दिखाएंगे जो हम दे रहे हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए और उसका रेंट जो है बहुत ही रिजनेबल है, 55,000 में आपको ये पूरा सेट जो है मिल जाएगा गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट एरिया में। और अब हम आपको इनसाइड का पूरा पोर्शन दिखाते हैं और बहुत ही बढ़िया जो है आपका यहाँ पर बिजनेस चल सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ द गांधीनगर के एरिया में हम इस समय पहुँचे हुए हैं और इस एरिया में आपको सेट जो है पूरा इनसाइड। अब हम आपको ले चलते हैं सेट के इनसाइड में। तो ये हम पहुंच गए हैं सेट के इनसाइड के एरिया में। फर्स्ट फ्लोर पे जो बना हुआ सेट है कमर्शियल पर्पज़ के लिए और अब हम पहुंच गए सेट के इनसाइड में। सबसे पहले जो एरिया कवर करके आपको दिखाया जा रहा है ये है यहाँ पे लॉबी का एरिया। आप इसको रिसेप्शन का एरिया बना सकते हैं, डिफरेंट कैबिन्स बना सकते हैं, जैसा आपका बिजनेस होगा अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़े साइज़ की लॉबी मैं आपको इस समय कॉर्नर टू कॉर्नर दिखा रहा हूँ और आपको इस लॉबी के साइज़ का आइडिया यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस लॉबी में हम आपको 2 फैन दे रहे हैं सीलिंग फ़ैन, यहीं से आपको साइज़ का आइडिया हो जाएगा। 20 फुट बाई 25 से 30 फुट की ये लॉबी का एरिया है, एक छोटे से हॉल की तरह इसकी शेप है, काफ़ी बड़ा साइज। और इसमें आपको एक हम 8 सीटर जो है सीटर सोफ़ा भी दे रहे हैं अलॉन्ग विद सेंटर टेबल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक आपको स्टैंडिंग कूलर भी यहाँ पे मिल रहा है और सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़े साइज़ के यहाँ पे अलमीराज और कबर्ड वगैरह बने हुए हैं। और ये एरिया दिखाने के बाद, लॉबी का एरिया दिखाने के बाद, अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के एरिए में। तो हम पहुँच गए हैं फर्स्ट बेडरूम के एरिए में। ये भी रूम जो है बहुत बड़े साइज़ का रूम है, इसका भी साइज़ जो है 14 बाई 16 का है, बहुत बड़े साइज़ का रूम। आप इसमें भी कैबिन बना सकते हैं और आपको इस पूरे रूम में एक दीवार के ऊपर पूरा जो है वार्डरोब नज़र आ रहा है। ये पूरी अलमीराज हैं, आप यहाँ पे अपना सामान जो है रख सकते हैं, फाइलें जो भी वट एवर आप, क्योंकि हमने ये आपको देना ही कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो ये अलमीराज आपकी जो हैं स्टोरेज पर्पज़ के लिए काम आ जाएंगी। आप ऑफिस का रेजिडेंस भी रख सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। और अब हम आपको इसका इस रूम का अटैच बाथरूम दिखाते हैं इंग्लिश सीट के साथ। तो ये देखिए ये बाथरूम इस समय आपको दिखाया जा रहा है, नीट एंड क्लीन बाथरूम आपको यहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट बेडरूम का अटैच बाथरूम हमने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से हम यहाँ से आपको रूम का पूरा एरिया दिखा देते हैं और नेक्स्ट हम ले चलते हैं नेक्स्ट रूम्स में और ये भी एरिया आपको पूरा दिखाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड बेडरूम में, ये आगे सेकंड बेडरूम। और सेकंड बेडरूम में भी आप देख रहे हैं फुल साइज़ का पूरा वार्डरोब, स्टोरेज पर्पज़ के लिए आपको ये सारे वार्डरोब काम आएंगे। स्टोरेज का बहुत खास ध्यान रखा गया हुआ है, सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से यहाँ पे आपका कोई भी बिजनेस हो बहुत ही आराम से यहाँ पे रन करेगा। और ये अब हम पहुँच गए हैं दूसरे बेडरूम दूसरे वाशरूम के एरिया में, अटैच वाशरूम है यहाँ पे भी इंग्लिश सीट के साथ। और अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं जो बाकी पोर्शन इसमें बच गया है वो हम आपको सारा दिखाएंगे। 2 बेडरूम दिखाने के बाद, लॉबी का एरिया दिखाने के बाद, अब हम आपको ले चलते हैं थर्ड बेडरूम के एरिए में।
और थर्ड वॉशरूम भी आपको दिखा देंगे। ये हम पहुंच गए हैं थर्ड वॉशरूम के एरिया में और यहाँ पे आपको साथ में ही मिलेगा एक बहुत बड़े साइज़ का बेडरूम। ये भी बहुत बड़े साइज़ का बेडरूम है और इसका जो साइज़ है ये भी 13x20 के साइज़ का ये बेडरूम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके साथ हम आपको दिखाते हैं एक और एडिशनल स्टोर। ये आपको एक स्टोर मिल रहा है, यहाँ पे भी आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं या छोटा सा कोई कैबिन बना सकते हैं स्टोरेज पर्पज़ के लिए। और ये भी देखिए इस रूम के साइज़ का आइडिया जहाँ से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो सीलिंग फैंस मिल रहे हैं और तीनों तरफ जो है विंडोज़ हैं, क्रॉस वेंटिलेशन, सनलाइट पूरी यहाँ पे प्रॉपर इस रूम में पहुँच रही है। और ये आपको बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में हम दिखा रहे हैं, इस समय गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट के एरिया में इस समय हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको पूरा ये जो है अकोमोडेशन दिखा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बहुत ही रीज़नेबल रेट में हम दे रहे हैं। 55,000 में आपको ये पूरा जो सेट मिल रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे इस सेट की किचन और अब हम पहुंच गए हैं मॉडल किचन के दिखाने के लिए इस सेट की। ये देखिए इसमें भी जो है एक सीलिंग फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह सारे फिटेड हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे साइज़ की यहाँ पर आपको किचन मिल रही है और आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका रूम कम छोटा कैबिन और एक किचन का काम भी कर सकता है अगर आप ऑफिस कम रेजिडेंस रखते हैं, दोनों पर्पज़ आपके हल हो जाएंगे। और अब आगे नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इसके साथ ओपन एरिया जो आपको मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो अब हम पहुंच गए हैं उस एरिया में, तो ये देखिए सारा एरिया जो है आपको ओपन स्पेस मिल रही है यहाँ पर यूज़ करने के लिए, बैठने के लिए। और इसके साथ आउटसाइड के एरिया में भी कुछ छोटी छोटी अलमीराज वगैरह बनी हुई हैं जो आपको यूज़ करने के लिए बहुत लाभदायक होंगी, बहुत फ़ायदेमंद होंगी, ये भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये आ गया पूरा एरिया और अब हम आपको दिखाते हैं आउटसाइड का व्यू। ये देखिए आउटसाइड का व्यू, ये सारा एरिया जो है गांधीनगर का एरिया है जहाँ हम इसमें पहुँचे हुए हैं। और ये हमने आपको आउटसाइड का एरिया भी दिखा दिया और मैं चाहूँगा कि आप हमारे ये वीडियो जैसे शेयर कर दो, हो सकता है आपके किसी दोस्त को या आपके किसी चाहने वाले को गांधीनगर के एरिया में ग्रीन बेल्ट पार्क के एरिया में ऑफिशियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी, तो आप हमारे ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो जैसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और या तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये आपको एक और लॉबी के एरिया से बालकनी का एरिया दिखा रहे हैं, ये रह गया था, ये मैंने आपको दिखा दिया। हर तरफ से जो है क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया हुआ है सेट में। और आप इसको जो है इसमें कैबिन वगैरह बना सकते हैं, अगर आपका ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, किसी भी टाइप का बिजनेस है तो आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर रन कर सकते हैं और आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्लरिश करेगा। ये हमारी आपके साथ एक कमिटमेंट है और आप वाकई हमें याद करेंगे, आपने बहुत ही सेंटर अच्छी लोकेशन में हमें अकोमोडेशन दे दी है बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो आप हमारे ये वीडियो जैसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।